हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम पैटर्न और लास्ट मोमेंट पे आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेंगे। और काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर जरूर हमें गाइड कर दें। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो एग्जाम हो रहा है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम से रिलेटेड जो जॉब्स है, जिसमें कंप्यूटर साइंस का ही जो पोर्शन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो पेपर वन की अगर हम बात करें, पेपर वन है जनरल, मतलब नॉन टेक्निकल जो सेक्शन है वो है पेपर वन। अब पेपर वन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आएंगे। और जनरल अवेयरनेस जो है वो सबसे पहला पोर्शन है, जिसमें 25 क्वेश्चंस है। और जनरल अवेयरनेस में हमारे पास क्या आता है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। तो ये मेन जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस में कवर करके जाने। ऑल्दो सिलेबस जो है ऐसा नहीं कि कोई लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें। लेकिन करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो अगर आप लास्ट 3-4 मंथ्स का भी अगर आप करंट अफेयर देख के जा रहे हो तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको कई क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट जो है वो लास्ट 3-4 मंथ्स के ही आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के ऊपर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी हमारे पास 25 क्वेश्चंस है, एप्टीट्यूड में भी 25 एंड इंग्लिश के लिए भी 25। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहां पे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है वो फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं शुरू से ही आरएस अग्रवाल फॉलो कर रहा हूं, तो आरएस अग्रवाल में से आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो है वो इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। और नॉर्मल लेवल का ही आता है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का है। अगर आपने ऑलरेडी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई है तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि गेट के अंदर भी हमारे पास जो एप्टीट्यूड का पोर्शन या जो रीजनिंग का पोर्शन कहीं ना कहीं आता है, तो आपको वहां पे हेल्प मिलेगी। और इन केस अगर आपने लाइक बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस वगैरह या उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वही सिनोनिम है, एंटोनिम है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। अगर आपका ऑलरेडी बेस अच्छा है इंग्लिश में तब तो डेफिनेटली आप यहां पे अच्छे मार्क्स ले सकते हो, नहीं तो आप अब लास्ट मोमेंट पे अगर हम बात करें कि अगर टाइम भी बहुत कम बचा है तो इसके लिए आप ऐसा नहीं कि एक बार में ही आप सारा कवर अप यहां पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके जाए, डेली कुछ ना कुछ टाइम जो है वो स्पेंड करें जनरल अवेयरनेस पे, रीजनिंग पे, एप्टीट्यूड पे एंड इंग्लिश पे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100 क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम बात करें यहां पे आपको मिनिमम जो है, अगर आप कहीं पे भी चेक करो ना मिनिमम कट ऑफ कितनी है, मिनिमम कट ऑफ कहते हैं 40 मार्क्स, जनरल की मैं बात कर रहा हूं। और जो ओबीसी या एससी एसटी के लिए हो सकता है थोड़ी कम हो यहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ साइड जो है वो कह रहे हैं कि 40 मार्क्स। लेकिन 40 मार्क्स तो आप कह सकते हो मिनिमम मार्क्स है। आपको कहीं ना कहीं जो लास्ट अगर हम बात करें 2007 में जो एग्जाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ गई थी वो थी 147 मार्क्स, तो यानी 150 के अराउंड। मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैकेनिकल में तो इसकी जो कट ऑफ गई थी 175 जनरल के लिए आउट ऑफ 200। तो ये 100 क्वेश्चन मेरे पास यहां है, और 100 क्वेश्चन जो है वो कहां से आएंगे, आपका जो सब्जेक्टिव फील्ड है, मतलब जैसे अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिदम है, सी एंड डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया, TOC that is theory of computation, compiler, computer organization and digital। तो गेट का ही सिलेबस है एज इट इज, जो गेट में हमारे पास आता है एज इट इज वही सिलेबस जो है वो यहां पे आएगा। लेकिन लेवल की अगर हम बात करें यहां पे तो लेवल आप कह सकते हो गेट से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि गेट में आप सीधा सा अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम बात करें गेट एग्जाम की तो अगर पेपर इजी भी आता है ना, लाइक कई बार होता है कि पेपर बहुत टफ आ गया, कई बार पेपर होता है कि इजी लेवल का आ गया, तब भी कट ऑफ जो है वो 30-32 तक ही मैक्सिमम जाती है, इससे ऊपर कट ऑफ जो है वो नहीं जाती। तो यहां पे मतलब मेरे को 30-32% मार्क्स लाने हैं, सिर्फ क्वालिफाई की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। लेकिन अगर हम बात करें इस एग्जाम की तो देखो 100 मार्क्स का ये हो गया, 100 का आपका ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए यहां पे 200। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई है दैट इज 147, तो आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज आपको सेफ साइड के लिए 150 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे, यानी अप्रोक्सीमेट 75% मार्क्स जो है वो आपको अचीव करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लेवल आप कह सकते हो कि उसमें सिर्फ 30-32 से क्वालिफाई होता है, यहां पे आपको कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ अगर आपको अचीव करनी है, मतलब आपको अगर इंटरव्यू की आप कॉल के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको
150 स्कोर प्लस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल में तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 175 तक कट ऑफ जाती है, वहां पे कंपटीशन और ज्यादा टफ है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम की जो जॉब्स है मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब्स है उनमें लास्ट टाइम 147 के राउंड गई थी, तो आप कह सकते हो कि 150 तो है आपको सेफ साइड के लिए लाने पड़ेगी। तो यानी 150 का मतलब क्या है कि 75 क्वेश्चंस यहां पे और 75 क्वेश्चंस यहां पे मेरे को ठीक करने हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे अच्छे लेवल की चाहिए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, जैसे गेट में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऑब्वियसली आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने गेट की प्रिपरेशन की हुई है तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रीवियस ईयर गेट के भी मिल सकते हैं, या फिर पैटर्न जो है, जैसे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसे अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम बात करें लाइक प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेस शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर पेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्क शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट में 4 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें हर बार क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप वो वाले टॉपिक जो है वो डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। और इसके रिलेटेड मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इवन DA और हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो TOC जो है यहाँ पे जरूर करके जाए, क्योंकि जो ज्यादातर क्वेश्चन जो है फंसने वाले जो होते हैं या कहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फीडबैक जब भी मेरे को मिलती है वो यही मिलती है कि सर TOC और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो दो टॉपिक है यहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसते हैं, और यही पे ही क्वेश्चन जो है आपको सबसे ज्यादा भी मिलते हैं। टीओसी मतलब ऑटोमेटा के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस है। ऑल्दो ऑन एन एवरेज 10 सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन यहां पे आने हैं, तो आप कह सकते हो कि हर एक टॉपिक में से 10-11 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, लेकिन कई बार टॉपिक जो है वो थोड़े ज्यादा फेवरेट भी होते हैं, लाइक टीओसी थोड़ा फेवरेट हो सकता है। तो इन केस अगर क्वेश्चंस उस टॉपिक में से ज्यादा आ रहे हैं तो अगर आपका टॉपिक वो प्रिपेयर्ड है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं प्रिपेयर्ड तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे लॉस हो सकता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप यहां पे मतलब 5-5 क्वेश्चंस की ही आपके पास छूट है, कि आप 5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में गलत कर सकते हो। लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप हर एक सेक्शन में से 20-20 क्वेश्चन जो है वो ठीक करके आओ, ताकि आप कहीं ना कहीं सेफ साइड पे। और मैं अभी जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ है उसी की बात कर रहा हूं, तो बाकी जो कैटेगरी में कहीं ना कहीं थोड़ी कट ऑफ कम ही जाती है, तो आपको वहां पे बेनिफिट और भी ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप इतनी कट ऑफ लेके आ रहे हो, इतने मार्क्स लेके आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपका मेरिट लिस्ट में आने का जो चांस जो है वो बन जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप इसको फॉलो करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और क्वेश्चंस को कई बार क्या होता है कि लाइक क्वेश्चन अगर मेरे को आंसर नहीं बन रहा या मतलब नहीं समझ में आ रहा, लेकिन टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो दूसरा लाइक इंजीनियरिंग हमें पता है कि क्या मेथड फॉलो करना है, आप ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करो। मतलब कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा तो आप ये फाइंड आउट करो कि यार ये ऑप्शन नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। ये पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं पेपर के अंदर ऑटोमेटिकली यूज करने पड़ेंगे, ताकि आपको यहां पे कट ऑफ जो है वो आप पहले देख रहे हो कि ज्यादा जाती है, तो आपको इस लेवल तक लेके आना पड़ेगा, अपनी एक्यूरेसी जो है वो इस लेवल तक लेके आनी पड़ेगी, तभी गाइज आप इंटरव्यू की कॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।